हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो है एमए हिस्ट्री की। MHH MHI 03 जो कोड है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेस पे है। आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, 15 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उन्हीं में से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आ जाएगा लगभग। तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको बनाने में मैंने 6-7 दिन की मेहनत किया है, पूरे पेपर को एनालाइज़ किया है 15 ईयर्स के, और उसके बाद मैंने आपको ये डिस्कस पे पहुँचा हो कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वो करो और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो ये MHI 03 इतिहास लेखन के बारे में है, हिस्टोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सैल्फ ज्ञान चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत किया है। और इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट होने पर आप तुरंत हमें कॉमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरीके से होता है। आपके ये क्वेश्चन पेपर है, जैसे ये जून 2016 में आया हुआ है। सबसे पहले आपके सेक्शन के दो क्वेश्चन पेपर, दो सेट होंगे, उसमें से आपको सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। तो सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20-20 का एक होगा, तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे सेक्शन 1 है, इसमें 5 क्वेश्चन दे दिया है, मैं हिंदी वाला आपको खोल लेता हूँ। सेक्शन 1 है, इसमें से आपको भाग 1 में से 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई 2 या 3 कर सकते हो। सेकंड, ऐसे इस भाग जो 2 है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आप 2 तो मिनिमम कंपलसरी करना है, बाकी आप 3 कर सकते हो। तो कहने का कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 में से 2 2 2 एक पार्ट में से, 2 एक पार्ट में से, और 1 आप कोई से में से भी 1 कर सकते हो। ये नहीं कि 5 आप एक ही भाग में से कर लो, तो ऐसे नहीं होगा। तो इन सबको, पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने कैसे एनालाइज़ किया, मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड किया और दूसरी जगह पे भी डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद इनको मैंने खोल के एक एक को उसको मैंने यहाँ लिखना शुरू किया कि जैसे इतिहास लेखन वाला जो ग्रीक और जो रोमन परंपराओं का, वो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया। वो कई बार आया क्वेश्चन, ये बहुत बार आया। प्रत्यक्षवादी परंपरा बहुत ज़्यादा बार आया। ये सल्तनत काल में इतिहास लेखन का इंडो फारसी परंपरा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये 4-5 पेज ये सामान्यीकरण, मौखिक इतिहास इस तरीके से, ठीक है, वस्तुपरकता, इतिहास लेखन के जो अनल स्कूल है उसके बारे में, ये शॉर्ट नोट, ये जो है भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से मैंने पूरा उसको बार बार, जो जैसे उपनिषवादी इतिहास है वो कई बार आया है। तो इस तरीके से मैंने पूरा उसको एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, कुछ MH 3 के पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और ये पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हैं, और अगर आप एग्ज़ाम से बहुत पहले पढ़ रहे हैं तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं, इनको आप और कर लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, ये भी कई बार अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेकिन ये 15 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन 1 के और 8 जो है क्वेश्चन पार्ट 2 के, दोनों इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज़ यार, MA के स्टूडेंट होके लाइक करने में कंजूसी मत करो, ऐसा आसानी किया जा सकता आपसे। और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है कि कोई भी देख सकता है, ये स्पेशली बहुत कम स्टूडेंट के लिए बनाया है जो MA हिस्ट्री कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपके भरोसे बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहले 7 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सल्तनत काल के इतिहास लेखन की इंडो फारसी परंपरा पर एक लेख लिखिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, लगभग हर बार ये क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में आ रहा है। उसके बाद सामान्यीकरण क्या है, इतिहास लेखन में सामान्यीकरण की भूमिका की भी विवेचना कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली विभिन्न इतिहास लेखन की परंपराओं का विश्लेषण कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आ रहे हैं। तो उसके बाद इतिहास लेखन में जो ग्रीक और रोमन परंपराओं का के ऊपर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद सूक्ष्म इतिहास से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकार और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। उसके बाद वस्तुपरकता से आप क्या समझते हैं, ये जो ऊपर वाले 5 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वस्तुपरकता थोड़ा सा उससे कम आया है, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पेपर में ये मिला है। उसके बाद इतिहास लेखन में अनल स्कूल से जुड़े इतिहासकारों और उनके कार्यों की चर्चा कीजिए,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनल स्कूल के संस्थापक कौन थे, उनके लेख की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से हम पर जो पार्ट टू आएगा, पार्ट टू में जो क्वेश्चन आए थे, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबाल्टर्न के बारे में सबसे आप क्या चाहते हैं, इसके अध्ययन की परियोजना का विकास की चर्चा कीजिए। उसके बाद जो पश्चिमी 5 मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनके 2 लेखन की चर्चा कीजिए। ऐसे करके आ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, मार्क्सवादी इतिहासकार जहाँ पे आ गया वहाँ पे उसको लिख देना है। जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की एक टिप्पणी, ऐसे करके भी आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इसको करना है। और भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल की एक टिप्पणी, ये 2-3 बार आया क्वेश्चन। और ये थोड़ा घुमा के ऐसे भी आता है, भारतीय राष्ट्रवाद के मार्क्सवादी इतिहास के बारे में बताइए। तो ये कर लेना है, मार्क्सवादी इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर एक क्वेश्चन आते ही आता है। और ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रवादी इतिहास के लेखन की विवेचना कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, कई बार आ चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लगभग हर बार आ रहा है, उपनिषदवादी इतिहास लेखन क्या है, इस धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं, उसके ऊपर इतिहास लेखन में उत्तर आधुनिकता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 6ठा क्वेश्चन ये है, एक है जनोन्मुखी इतिहास लेखन क्या है, और इतिहास भारतीय इतिहास के संदर्भ में उसको बताना है। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के बारे में विवादास्पद दृष्टिकोण से आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। भारतीय पुनर्जागरण जनोन्मुखी, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित कैसे है इतिहास लेखन, ये उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रवादी इतिहास, भारतीय राष्ट्रवाद, और ये मार्क्सवादी इतिहासकार और सबाल्टर्न शब्द, ये पार्ट टू के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्ट वन और पार्ट टू मिला के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो इसमें से एक तो इतिहास लेखन की प्राचीन भारतीय परंपरा, ये करना है 2 नंबर वाला, और एक ये मौखिक इतिहास, उसके कार्य संबंध स्थापित करने वाले, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करना। उसके बाद फिर ये रानकेवादी परंपरा वाला, इसको भी करना, कई बार आ चुका है। उसके बाद परंपरागत चीन का इतिहास का लेखन, ये भी कई बार आ चुका है शॉर्ट और लॉन्ग में, और ये 2 बार आया है वैसे। भारत में महिलावादी इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन होंगे, 15 और ये 5, तो लगभग 20 क्वेश्चन हैं। ऊपर वाले 15 से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं उसके अंदर, तो मैं शॉर्ट ऑफ नोट के ऊपर, ये शॉर्ट नोट है तो जो पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उनके ऊपर मैं टिक लगाऊंगा, उनको आपको ढंग से समझना है, ठीक है। तो एक तो है कल्हण की राजतरंगिणी, ये 2 बार आया है। उसके बाद पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन, ये मैंने बताया था अभी, ये ऊपर भी आया और यहाँ पे भी आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट में आ ही रहा है, तो इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये स्थानीय इतिहास लेखन, ये शॉर्ट नोट कई बार आ चुका है। उसके बाद अनल स्कूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने दिया है और शॉर्ट में भी आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डीडी कौशाम्बी के बारे में शॉर्ट नोट आया है कई बार, ठीक है। ये जनोन्मुखी इतिहास लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में भी हर बार आ रहा है, तो ये भी तो आपको करना ही पड़ेगा। एक सामयिकरण की भूमिका, ये लॉन्ग में बहुत बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, शॉर्ट में भी आ रहा है, तो मतलब जब अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में आएगा, तो ये समाईकरण को पक्का कर लेना भाई। उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल कई बार आ चुका है। उसके बाद ये भी कई बार आया, जाति की औपनिवेशिक अवधारणा, ये शॉर्ट नोट आया हुआ है कई बार, ठीक। उसके बाद इंडो फारसी इतिहास का लेखन, ये लॉन्ग में हर बार आ रहा है, उधर से छूट गया तो शॉर्ट में आ रहा है, तो इसको भी कर लेना। उपनिवेशवाद का इतिहास, ये लॉन्ग में मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, शॉर्ट में भी आ रहा है, तो ये थे सबसे ज़्यादा करने वाले क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ रहे हैं और शॉर्ट में भी आ रहे हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन मैं उनको दोबारा बताना चाहूँगा, जो अगर आपको टाइम मिलता है तो इनको कर लेना है। ये एक एक बार आए हैं क्वेश्चन। कौन सा भारत से संबंधित आरंभिक अरबी इतिहास का लेखन, ठीक है। उसके बाद इतिहास में वास्तुपरकता की अवधारणा, ये लॉन्ग में आया है भाई, वास्तुपरकता की अवधारणा मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है, कर लेना अगर कर सकते तो। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख संकल्पनाएं, उत्तर आधुनिकतावाद के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है, कर सकते हो।
भारत सांस्कृतिक अध्ययन एवं धार्मिक अस्मिताएं, ये एक बार आया है पिछले 10 साल में, अगर करना है तो कर सकते हो। भारतीय राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी इतिहास, ये भी एक बार आया है। जेंडर का इतिहास लेखन, ये भी एक बार आया है, करना हो तो कर लेना, 8-10 साल में एक बार आ रहा है। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, जिसके सामने मैंने पहले आपको बताया, वो आप पक्का कर लेना। उसके भारत में पर्यावरण के इतिहास, एक बार आया था, करना हो तो कर लेना। इसमें सामाजिक और राजनीतिक निर्मित के रूप में नश्न, एक बार आया, इसको छोड़ देना। मानसिकता और संस्कृति का इतिहास, छोड़ देना। कन्फ्यूशीवाद, एक बार आया है। सामंतवाद पर बहस, ये शायद पहले भी क्वेश्चन में आया था। तो ये हैं लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। तो ये 15 मैंने आपको जो पहले बताया, पार्ट वन के क्वेश्चन 7 और पार्ट टू के क्वेश्चन 8, 15 क्वेश्चन में से ये आपके 5 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। और कुछ वो लॉन्ग में भी आते हैं और फिर में शॉर्ट में भी आते हैं, तो आपका इन 15 क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने 5 बताए, अगर ये और कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने MHI 03 को अच्छे नंबर से आपको उसको पास करना है। इसी तरह की टैक्टिस और अच्छे वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको किस कोड के ऊपर, MH3 के, MHI 3 के ऊपर सबसे पहले मुझे जो है कमेंट आया, तो इसलिए मैंने MHI 3 के ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाया, MHI 01 के बाद। तो आप भी बताएं कि आपको किस कोड पे पहले वीडियो चाहिए, तो वही वीडियो आपको पहले मिलेगा। और लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद क्या है, आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप स्पेशली ME के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करें, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करके आप जाना और 100% मुझे आके बताना, कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन मिले। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।